राजमे को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और इसमें मैं कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे, 1-1.5 चम्मच डाला मैंने सॉल्ट और इसमें हम 5-7 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। इसको मैं बंद करके 5-7 सीटी लगा लेती हूँ। गैस मेरा ऑन हो गया है, इसमें 5-7 सीटी लगने देते हैं। तो 7-8 सीटी आ गई है, इसको हम देख लेते हैं सही से गले हैं या नहीं। इसको मैंने रात में भिगोने के लिए डाल दिया था, 7-8 घंटे भिगो रहे थे, देखिए अच्छे से गल चुके हैं। अभी तो हम मसाला तैयार करते हैं राजमा का। तो अभी गैस ऑन कर दिया है, इसको थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। कढ़ाई गर्म होगी, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। जीरा हल्का से चटक जाएंगे, उसके बाद इसमें हम अनियन ऐड करेंगे। दो मैंने अनियन काटे हैं, ज्यादा बारीक नहीं, मोटे मोटे हैं ये, मैंने काटे हैं। इसको हमें ज्यादा लाल नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा। फिर हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अनियन देखिए हमारे अब ट्रांसपेरेंट हो गए हैं ये हल्के हल्के से। अब इसमें हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है जिंजर और गार्लिक, इसको भी हल्का सा हम भून लेते हैं। लहसुन हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, इसमें मैं 2 टमाटो डाल दूँ जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए टमाटर। और इसे मैं ढक रही हूँ, 4 से 5 मिनट में ही पक जाएंगे अच्छे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, इसमें बीच बीच में देख रही थी, देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। इधर ठंडा करके हम जार में पीस लेंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा के थोड़ा सा तेल गरम करेंगे मसाले को भूनने के लिए। तेल गरम हो गया, इसमें मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ, तो इसको लाल कर लेती हूँ। हम ऐड करेंगे लाल कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है इसमें। गैस पहले मैं कम कर दूंगी ताकि मिर्च हमारी जले ना। 1 से 1.5 चम्मच मैं यूज कर रही हूँ। और इसमें अब मसाला जो मैंने पीस लिया है, मसाला हमारा मैंने पीस लिया है, हमें अब भूनना है। मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए, इसको चलाते रहें बार बार। भूनते भूनते देखिए अब इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, रेड हो जाएगा पूरा, अच्छे से मसाला पूरा रेड ब्राउन कलर में हो जाएगा। ये भून रहा है, मैं इसमें 1/2 चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप पहले भी डाल सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो, मैंने अभी किया है इसमें घी, मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। देखिए इसका कलर चेंज हो गया बिल्कुल। अब इसमें हम साथ के साथ मसाले भी यूज़ कर लेंगे। तो मैं ये डाल रही हूँ करीब 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। इसको अच्छे से हम चला लेंगे। मसाला हमारा ऑयल छोड़ने लगा है और ये पक गया है अच्छे से, भून गया है। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, पहले भी हमने डाला है, इसमें हल्का सा डालेंगे और इसे अच्छे
से मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा तैयार हो गया, इसमें मैं अब ये बॉइल्ड राजमा डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से गल गए, ये देखिए 5 से 7 सीटी में बहुत अच्छे से गल गए। इसको हम इसके साथ 2-3 मिनट भून लेते हैं, इसको भून के फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं राजमा भूनते हुए मसालों के साथ। देखिए राजमा हमारे मसाले के साथ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ग्रेवी में राजमा मिल गया है। पर इसमें हमें हल्का सा पानी तो डालना ही है। पानी ऐड कर रही हूँ, हमारे राजमा वाला ही पानी है, मैं अलग से पानी यूज नहीं करती हूँ। जैसे मैंने करीब 1 गिलास पानी पूरा भर के डाल दिया है और अब हमें इसमें पकाना है पानी के साथ। इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक हम पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं हमारे राजमा को और ये इसकी ग्रेवी ऐसी रखी है मैंने क्योंकि मैं इसको चावल के साथ बना रही हूँ। और इसमें हम अब ऐड करेंगे बारीक कटा धनिया पत्ता, जिसके बिना हमारा सारा खाना अधूरा सा लगता है। तो राजमा बनके है हमारा तैयार, इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा राजमा बनके हो गया है बिल्कुल तैयार।